So, dear students, our today's topic is orbital magnetic dipole moment, and we will also discuss about the Bohr magneton. तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर वो रिवॉल्व कर रहा है राउंड न्यूक्लियस, तो मान लेते हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो वी वेलोसिटी के साथ इस न्यूक्लियस के राउंड रिवॉल्व कर रहा है. मास एम है, चार्ज माइनस सी. आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. अगर इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, तो जो हमारे पास करंट है, तो करंट हमारे पास क्या होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इसके अपोजिट. तो ये डायरेक्शन जो है हमारे पास करंट की होगी. अब क्या है, क्योंकि हमारे पास इस ऑर्बिट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो ये जो ऑर्बिट है ये हमारे पास करंट कैरिंग लूप की तरह एक्ट करेगा. ठीक है, यानी जैसे हम इसको समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऑर्बिट है जिसके अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो जो हमारे पास करंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अगर इलेक्ट्रॉन की ये डायरेक्शन है तो करंट की ये डायरेक्शन होगी. तो इसके कारण अगर ये करंट कैरिंग लूप की तरह एक्ट करता है, तो हम सभी जानते हैं कि करंट कैरिंग जो लूप है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करता है. किस तरह से, कि अगर हमारे पास ये करंट की डायरेक्शन है तो हमारे पास क्या होगा, ये फिंगर्स जो है राइट हैंड थंब रूल से, ये फिंगर्स हमें क्या दे देंगी, डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो थंब है ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन. यानी हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास जो है ये कोई लूप है, अगर करंट हमारा इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या बना देगा, फिंगर्स जो दे देगी हमारे को करंट की डायरेक्शन, और जो थंब है वो हमारे पास क्या दे देगा, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, यानी डाउनवर्ड्स. या फिर यूँ कह सकते हैं, जो इस तरह से जो है हमारे पास ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरह से जाएंगी. ठीक है, तो नीचे वाला बन जाएगा नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल. ठीक है, इसी तरह से क्या है, अगर हमारे करंट की जो डायरेक्शन है वो इस ये ना होकर क्या हो, ये डायरेक्शन हो, तो अपवर्ड्स क्या हो जाएगी हमारी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन, यानी ऊपर ऊपर वाला जो है वो हमारा नॉर्थ पोल बन जाएगा और नीचे वाला साउथ पोल. ठीक है, क्लियर है. अब देखो, क्योंकि हमारे पास हमने क्या माना हुआ है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, ये है मोशन की, तो करंट की डायरेक्शन ये है, तो इसके कारण जो हमारे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी वो क्या होगी, डाउनवर्ड्स. ये फिंगर्स क्या दे देंगे हमको करंट की डायरेक्शन, तो ये क्या होगी, डाउनवर्ड्स हमारी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन. ये जो म्यू के साथ जो एल है, एल का मतलब क्या है, एल है यहाँ पर ऑर्बिटल मोशन को शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन की. ठीक है, तो जो म्यू एल है, यानी हमारे पास जो मैग्नेटिक जो डाइपोल मोमेंट है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, म्यू एल इज इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है, जो करंट कैरिंग लूप के लिए जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट है वो होती है करंट इनटू में एरिया. ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन. अब यहां से देखिए, करंट जो होता है, करंट होता है चार्ज अपॉन में टाइम. ठीक है, तो चार्ज यहां पर कितना है, ई है चार्ज इलेक्ट्रॉन पर, और जो टी है टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड में ये रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट के अंदर, यानी करंट हमारा फ्लो कर रहा है जो एक जो हमारा रोटेशन के अंदर एक रिवॉल्यूशन में हमारा कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है ये. ठीक है, तो जो टाइम पीरियड है वो कितना आ जाएगा, ये इसका सर्कमफेरेंस कितना है, 2πr. ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2πr एक रिवॉल्यूशन में, तो 2πr ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा. ठीक है, वेलोसिटी v के साथ, तो ये हमारे पास आ गया टाइम पीरियड. ठीक है, तो अब इस टाइम पीरियड को हम कर देंगे इस इक्वेशन में पुट. ठीक है,
यानी करंट वाली में, तो ये हमारे पास आ जाएगा ई ई अपॉन में 2 पाई आर ऊपर वी आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए हमारे पास जो है करंट आ गया, एरिया जो है एरिया ऑफ द लूप कितना है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो म्यू एल है वो क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गेट करंट क्या है, ई वी अपॉन में 2 पाई आर इन टू में एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो आर से आर कट गया, पाई से पाई, ये हमारे पास आ गया ई वी आर अपॉन में 2। तो जो मैग्नेटिक जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू आ गई ई वी आर बाई 2। ठीक है, तो हमारे पास आ गया जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ये हमारे पास आ गया ई वी आर बाई 2। ठीक है, तो अब देखिए जो एज द इलेक्ट्रॉन हैज़ ए नेगेटिव चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम विल बी अपवर्ड। देखिए, क्योंकि हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल से जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यानी जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है एल एंड जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये आपस में क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। कुछ इस तरह से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है मोशन की, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास जो है ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, करंट फ्लो, तो ये हमारे पास क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है ये आपस में क्या होंगे, इस तरह से ये अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में क्या होगा हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट, और ये हमारे पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, आपस में अपोजिट होगी। अब देखिए, अब जो हमारे पास क्या है, जो मैग्नीट्यूड है एल का यानी एंगुलर मोमेंटम का, वो किस तरह से है, एल हमारे पास होता है आर क्रॉस में पी। ठीक है, तो देखिए ये होता है आर पी साइन ऑफ, मान लेते हैं थीटा, तो आर जो है इसको हम लिख सकते हैं एम वी साइन ऑफ थीटा। अब देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, ये आर है, ये आर है, ये वी की डायरेक्शन है, तो ये आपस में क्या होंगे, 90 डिग्री पे होंगे, तो जो थीटा है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। तो आर एम वी, ये जो हमारे पास क्या है, थीटा 90 डिग्री पे हो गया, तो ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है, तो अब हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है एल का वो क्या आ गया, आर एम वी। ठीक है, इस इक्वेशन को मान लेते हैं 4। अब क्या करते हैं, अब हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 को 4 से डिवाइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू एल अपॉन में एल इज इक्वल टू ई वी आर अपॉन में 2 इंटू में 1 बाय एम वी आर, आर से आर गया, वी से वी। ठीक है, तो ये हमारे पास बच गया ई बाय 2m। अब देखिए बच्चों, ये जो इक्वेशन आई है ई बाय 2m, इस रेशियो को हम बोलते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो, जायरो मैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेशियो है, जायरो मैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, ये किस तरह से है, देखिए जो हमारे पास ये एक कॉन्स्टेंट है, जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड, इसको ध्यान से देखना, जो जायरो मैग्नेटिक रेशियो है म्यू एल अपॉन में एल इज इक्वल टू क्या है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एंड रेशियो एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, क्या है ये, ई बाई 2m। ठीक है, अब इस रेशियो को ध्यान से देखो, तो ये जो हमारे पास है ई जो है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ये हम सभी को पता है ये एक यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, ई बाई एम जो है एक कॉन्स्टेंट है।
अगर आप देखेंगे जो म्यू एल है ये भी वेरी हो सकता है, एल भी वेरी हो सकता है, बट ये जो राइट हैंड साइड वाली जो ये रेशियो आई है ये क्या है, कॉन्स्टेंट है और इट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ द पैरामीटर विच डिफाइन द साइज एंड शेप ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, यानी ये जो राइट हैंड साइड की जो रेशियो है इसके अंदर कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है जो इसका साइज और शेप को वेरी कर सके। ठीक है, यानी ये कॉन्स्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एक जायरोमैग्नेटिक रेशियो, ये आगे भी आप लोगों के टॉपिक्स में काम आएगी। अब अगर हम इसको मैग्नीट्यूड से अगर हम ले वेक्टर फॉर्म में लें, ठीक है, यानी हम डायरेक्शन भी इंक्लूड कर लें इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई बाय टू एम एन। ठीक है, अब ये जो माइनस साइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो म्यू एल है और जो एल है यानी जो मैग्नेटिक मोमेंट है और जो हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है इनकी डायरेक्शन क्या है, आपस में अपोजिट है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहां पर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ जी एल ई बाय टू एम एल। ठीक है, अब यहां पर जो जी एल फैक्टर है ये क्या है, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल जी फैक्टर। और ये जी फैक्टर होता क्या है, देखो यहां पर जो जी एल की वैल्यू है वो क्या होगी, वन। ठीक है, तो ये जी एल जो है, जी फैक्टर जो है, ये हमारे पास जो जैसे अगर हम स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर अपने न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑर्बिट इस ऑर्बिटल मोशन के कारण, ठीक है, इसका क्या होगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसी तरह से क्या है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑर्बिट ही नहीं कर रहा, लाइक अर्थ, ये अपने ही एक्सिस पर क्या है, स्पिन भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। उस रोटेशन के कारण क्या है, इसकी जो है एक इंट्रिंसिक जो है एंगुलर मोमेंटम होगा जिसको हम बोलेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और उसी कारण से, क्योंकि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम चार्ज स्फीयर मान के चलते हैं, बॉल की तरह। ठीक है, जो चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस बॉल, और जब ये रोटेट करता है अपने ही एक्सिस पर तो वो क्या करेगा, एक टिन्नी मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, और मैग्नेटिक डाइपोल प्रोड्यूस करेगा। तो उसी तरह से क्या है, इसका खुद का एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होता है जिसको बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और इसका एंगुलर मोमेंटम भी होता है जिसको बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो होती है टू। इसी तरह से क्या है, जो फर्दर और भी कई केसेज हैं जिनमें जी की वैल्यू वेरी कर सकती है, इसीलिए टू प्रिजर्व द सिमेट्री हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर एक जी फैक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये आ गया हमारे पास, अब इक्वेशन नंबर आप याद रखिएगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एल ई बाय टू एम ए एल। अब फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स हम जानते हैं कि जो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है एंगुलर मोमेंटम का वो रिलेट करता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर से बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास है, ये एल इज द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अब इस इक्वेशन को हम पुट कर देते हैं, जो हमारी मैग्नीट्यूड जो था हमारा म्यू एल का वो क्या था, ई बाय टू एम, एल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एल एल प्लस में वन एच कट, और एच कट क्या होता है, एच बाय टू पाई। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एल एल प्लस में वन ई एच बाय फोर पाई एम। बच्चों ये जो फैक्टर आया ई एच बाय फोर पाई एम, इसको हम बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन, ई एच बाय फोर पाई एम, इसको हम क्या बोलते हैं, बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है,
तो अब UL can be written as L, L plus में 1, mu b, ठीक है। और इस mu b की जो वैल्यू है वो हर मैग्नेटोन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, या फिर यू कह सकते हैं कि इट इज द नेचुरल यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और इसकी जो वैल्यू है जब हम इसके अंदर पुट करते हैं ई की वैल्यू, एच की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, तो ये हमारे पास एम की वैल्यू, पाई की वैल्यू, सब पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 9.27 × 10⁻²⁴ एम्पियर मीटर स्क्वेयर। अब ये एम्पियर मीटर स्क्वेयर क्या है, देखो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो होता है करंट इनटू में एरिया, ठीक है। तो करंट क्या है एम्पियर और एरिया की क्या है मीटर स्क्वेयर, तो ये जो यूनिट है वो क्या आ जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वेयर, ठीक है। तो बच्चों बोहर मैग्नेटोन क्या है, एक तरह से कि जैसे हम चार्ज करते थे ना, ये चार्ज इज इक्वल टू एन ई, तो एक नेचुरल यूनिट है किसकी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। अब जैसे जब हम करते थे कि जो चार्ज जो है ट्रांसफर होता है तो ये वन वन टाइम्स ऑफ ई, टू टाइम्स ऑफ ई, थ्री टाइम्स ऑफ ई, ई क्या है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो उसी तरह से क्या है कि जो हमारे पास हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के केस में वन टाइम्स ऑफ बोहर मैग्नेटोन, टू टाइम्स ऑफ बोहर मैग्नेटोन, इस तरह से क्या है एक यूनिट है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का जी एल म्यू बी बाय एच कट एल, ठीक है। अब ये देखो जब इसको सॉल्व करके देखोगे तो यही आ जाएगा, देखो माइनस जी एल और म्यू बी क्या है हमारे पास ई एच बाय फोर पाई एम, और एच कट क्या है, एच कट है हमारे पास एच बाय टू पाई, तो इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वही इक्वेशन आ जाएगी जी एल ई बाय टू एम एल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट।